Subscribe our channel for daily technology and smartphone videos. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के फ्रेश एपिसोड में। हमने हमेशा हमें हर एक कैमरे में सुना रहेगा कि हमारा कैमरा इतने मेगापिक्सल का रहता है, उतने मेगापिक्सल का रहता है। ओप्पो वीवो के कैमरे 24-25 मेगापिक्सल के रहते हैं, फिर पिक्सल और सैमसंग के कैमरे 12 मेगापिक्सल के रहते हैं। फिर भी हमको पिक्सल का और सैमसंग के कैमरे से अच्छी इमेज क्वालिटी मिलती है और ओप्पो वीवो से इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं मिलती है। तो फिर ये मेगापिक्सल का झमेला क्या है? हर एक के मन में ऐसा सवाल उठता रहेगा कि ज़्यादा मेगापिक्सल से अच्छी इमेज क्वालिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो आप ये वीडियो को आगे ज़रूर देख लेना, आपका कन्फ्यूजन दूर करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। दोस्तों, एक मेगापिक्सल का मतलब होता है मिलियन पिक्सल, और एक मिलियन पिक्सल मतलब 10 लाख पिक्सल। अभी हमारे स्मार्टफोन में क्या रहता है कि सबसे पीछे जो रहता है वो पिक्सल रहता है, सबसे आगे रहता है वो लेंस का कवर रहता है, फिर लेंस रहता है, फिर सेंसर्स रहता है, और सेंसर्स पे पिक्सल लगे हुए रहते हैं। तो उसमें 1 मेगापिक्सल का कैमरा अगर हम लोग मानते हैं तो उसमें 10 लाख पिक्सल्स रहते हैं। अभी वो 10 लाख पिक्सल्स कैसे रहते हैं? 1152 पिक्सल्स ऐसे रहते हैं हॉरिजॉन्टल, और 864 पिक्सल वर्टिकल रहते हैं। तो इनको मिला के फिर वो 10 लाख पिक्सल्स हो जाते हैं। और जब भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है तो फिर वो पिक्सल्स बढ़ा के 1600x1200 ऐसा पिक्सल्स का काउंट हो जाता है। फिर 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, जैसे जैसे पिक्सल्स का काउंट बढ़ता है वैसे वैसे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स का काउंट भी बढ़ता है। अभी आप सोचते रहोगे कि ये ओप्पो और वीवो मतलब इतने मेगापिक्सल से कैमरे निकालते हैं तो उससे इमेज क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे तो पहली ऐसी बात है, हम लोग पिक्सल क्या करता है ये आप पहले देखते हैं। पिक्सल क्या करता है? एक हर एक पिक्सल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपने में स्टोर करता है। तो मानो अगर 10 लाख पिक्सल्स है तो 10 लाख पिक्सल्स सामने जब भी हम लोग इमेज क्लिक करते हैं तो हर एक वो इमेज की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपने पास क्लिक करता है, और फिर सबसे एंडिंग में कैमरा प्रोसेस करके वो सभी पिक्सल्स को कंबाइन करके अपने को पूरी इमेज दे देती है। तो अभी जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारा कैमरा 24-25 मेगापिक्सल है फिर भी वो अच्छी इमेज नहीं क्लिक करता, तो उसके रीजंस ऐसे है कि अगर 24 मेगापिक्सल्स का कैमरा रहेगा तो उसमें 24 मिलियन के पिक्सल्स रहेंगे, और जब भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है उसमें 12 मिलियन पिक्सल्स रहेंगे। उससे पहले तो ऐसी बात होती है कि जो भी 2 पिक्सल्स के बीच की जो गैप रहता है वो हमेशा यूजलेस रहता है, मतलब उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। तो ऐसे में अगर आपके ज़्यादा पिक्सल्स रहेंगे तो आपके इसमें गैप्स भी 2 पिक्सल्स का ज़्यादा बढ़ेगा, उसका नंबर ऑफ काउंट्स भी ज़्यादा बढ़ेगा, और उस पर फिर यूजलेस इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, मतलब कुछ भी उसका काम नहीं रहेगा। और अगर आपके पिक्सल्स कम रहेंगे मानो 12 मेगापिक्सल, तो उसमें जो गैप्स रहेगा 2 पिक्सल का उसका नंबर ऑफ काउंट भी कम रहेगा, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन कम स्टोर होती है वो कम रहेगी। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ पिक्सल्स की। अभी 1 पिक्सल का अगर साइज बड़ा रहेगा तो वो ज़्यादा डिटेल कैप्चर करता है, और अगर छोटा रहेगा तो उसमें शार्पनेस ज़्यादा आती है। मतलब जो 24 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है उसमें डिटेल्स कम रहते हैं लेकिन शार्पनेस ज़्यादा रहती है, और जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है उसमें शार्पनेस कम होती है लेकिन डिटेल्स ज़्यादा होते हैं। तो मानो अगर आप और जो पिक्सल्स रहता है वो लाइट की इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर करता है, तो जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा का जो सेंसर रहता है पिक्सल्स रहते हैं वो लाइट ज़्यादा कैप्चर करते हैं इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल्स दे देते हैं। तो 24 मेगापिक्सल का कैमरा लाइट कम कैप्चर करते हैं इसलिए डिटेल्स कम देते हैं लेकिन उसमें शार्पनेस ज़्यादा होता है। तो हम लोग को अभी ये DSLR में अभी अगर कंपेयर करते हो तो DSLR का सेंसर बड़ा रहता है तो उसके पिक्सल्स भी बड़े रहते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा लाइट कैप्चर करते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी डिटेलिंग्स आ जाती है। ये तो बात हो गई पिक्सल्स की, नंबर ऑफ पिक्सल्स की, और क्या कैसे करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि फोटोशूट के टाइम क्या होता है। जब भी अगर फोटोशूट होता है तो मानो अगर 12 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटोशूट होता है तो उसमें डिटेल्स ज़्यादा आ जाती है क्योंकि उसके पिक्सल्स बड़े बड़े रहते हैं, और अगर सेम साइज़ का सेंसर में 24 मेगापिक्सल ठूस दिए तो उसमें पिक्सल के साइज़ छोटी रहती है तो उसमें डिटेल्स कम रहते हैं। तो हमको 24 मेगापिक्सल का कैमरा कभी हमेशा मतलब क्यों अच्छी इमेज नहीं दे सकता एज़ कम्पेयर टू द 12 मेगापिक्सल का कैमरा? हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन कैमराज की, DSLR की नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन कैमराज की साइज़ फिक्स रहती है, नॉर्मली छोटे रहते हैं, और सभी स्मार्टफोन कैमराज के सेंसर्स भी छोटे रहते हैं, और उसमें वो लोग 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल कैमरा के पिक्सल्स डाल देते हैं। तो बात अभी ऐसी है कि अगर 24 मेगापिक्सल का जो फोटो रहेगी वो अगर आप जूम करते हो तो भी उसकी इमेज क्वालिटी ब्लर नहीं होती है, या फिर उसके डिटेल्स क्या बोलते हैं आपको, उसके डिटेल्स वॉश आउट नहीं होते क्योंकि उसमें 24 मेगापिक्सल्स रहते हैं, 24 मिलियन पिक्सल्स रहते हैं, और वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं हर एक पिक्सल, इसलिए अगर आप उसको जूम भी करते हो तो भी उसमें डिटेल्स मतलब ब्लर नहीं होते, वॉश आउट नहीं हो जाते हैं।
तो अगर आपको आपके फोटो को कहीं प्रिंट करवाना है या फिर जूम करके किधर पोस्टर बनवाना है, तो ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके यूजफुल रहेंगे। मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल्स रहेंगे उतनी आपकी फोटो अगर आप क्रॉप करते हो तो भी उसमें डिटेल्स लॉस नहीं होंगे और जो डिटेल्स वॉश आउट नहीं होंगे, ब्लर नहीं होंगे। हालांकि अभी बात करते हैं 12 मेगापिक्सल की, तो उसमें आपको डिटेलिंग्स मिलेगी लेकिन शार्पनेस कम मिलेगा। तो मतलब आपको उसको जूम, जो नॉर्मल पिक्चर आप देखते हो 12 मेगापिक्सल के फ़ोन में जो कैप्चर की हुई है, वो आपको फ़ोन में काफ़ी अच्छी दिखेगी, लेकिन जब भी आप उसको क्रॉप करते हो, जूम करते हो, तो उसमें डिटेल्स वॉश आउट हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो यही डिफरेंस है कि 12 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल के बीच का, कि 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आपको बेहतरीन फ़ोटो दे सकता है अगर ये सेंसर अच्छा हो तो, लेकिन 24 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको एक बेहतरीन फ़ोटो नहीं दे सकता सेंसर अगर अच्छा नहीं होगा तो। तो ये सभी सेंसर के ऊपर भी डिपेंड रहता है, इसलिए हमेशा ओप्पो वीवो बोलते हैं कि हमारा 24 मेगापिक्सल कैमरा है, 25 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन उसकी इमेज क्वालिटी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसी फ्लैगशिप फ़ोन के साथ, मानो सैमसंग या फिर पिक्सल, तो किधर भी साइड बाई साइड कंपेयर करने के इसमें नहीं रहते, क्योंकि उसके इमेज में काफ़ी डिफरेंस रहता है। इसलिए वो सेल्फी कैमरे जितने देते हैं 24-25 मेगापिक्सल, ताकि आपके जो सेल्फी की, मतलब आप जो फोटो खींच रहे हैं खुद की, उसमें शार्पनेस आ सकेगा, क्योंकि उसमें डिटेलिंग्स की ज़रूरत इतनी नहीं रहती है जितनी शार्पनेस की ज़रूरत रहती है। इसलिए आप वो जो ओप्पो और वीवो है वो सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन से, हालांकि जब भी आप देखते हो दूसरे फ़ोन्स, फ्लैगशिप फ़ोन्स, तो वो लोग क्या करते हैं 12 मेगापिक्सल तक दे देते हैं, इसमें लाइट भी ज़्यादा कैप्चर होती है, इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर होती है, और ये जो सैमसंग और पिक्सल जैसे कैमरेज है उनको पता रहता है कि ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी बढ़िया काम करेगा, लो लाइट में भी बढ़िया पिक्चर फोटो दे देगा, क्योंकि ये फोटो सिर्फ कैमरा के लिए बने हैं। ये फोटो आप अगर फुल स्क्रीन मोड में किधर देखते हो तो उसकी डिटेल्स निकल जाती है या फिर वॉश आउट हो जाते हैं। स्पेशली क्या रहता है, आपके जितने पिक्सल्स कम रहते हैं उतनी लाइट ज़्यादा कैप्चर करता है, इसलिए 24 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा वो लो लाइट में इतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा रहेगा। इसलिए आपने देखा रहेगा कि सैमसंग पहले 16 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आया था शायद S7 में या फिर इसमें, लेकिन फिर उसने 12 मेगापिक्सल में कैमरा रिवर्ट कर दिया S8 और Note 8 के बाद। तो उसका एक मेन डिफरेंस यही था कि आपके पिक्सल जितने कम होते हैं उतनी लाइट ज़्यादा कैप्चर करते हैं और लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दे देते हैं। तो सैमसंग को पता है कि हम जो फोटो क्लिक्स करेंगे वो प्रोफेशनल लेवल पे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ मोबाइल के लिए यूज़ किए जाएंगे और उसमें क्रॉपिंग नहीं होगा। अगर हम लोग कोई भी फ़ोटो को क्रॉप करते हैं या फिर जूम करके फिर उसको पोस्टर निकालते हैं, उस वक्त उस टाइम मेगापिक्सल का जो नंबर ऑफ मेगापिक्सल है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। मानो आपके पास 40 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा तो आप कोई भी इमेज अगर क्लिक करते हो तो उसको जूम करते हो तो काफ़ी बहुत डिटेल्स उसमें रहते हैं, इन्फॉर्मेशन रहती है, जो कि आप क्रॉप करने के बाद भी इन्फॉर्मेशन वॉश आउट नहीं हो जाती है। तो यही डिफरेंस रहता है मेगापिक्सल के बारे में ओप्पो वीवो और सैमसंग के बारे में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।